मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। पूर्व कांग्रेस विधायक अंतर सिंह दरबार को भ्रष्टाचार के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। दो अलग अलग मामलों में कुल 3,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। MPMLA स्पेशल कोर्ट ने दरबार समेत 10 लोगों को सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर सजा 3 महीने और बढ़ जाएगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी के सभी फ्रंटल विंग के प्रमुखों और पदाधिकारियों से संवाद कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने सबसे पहले महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रदेश की पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की है। यह बैठक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चली। इसके बाद यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिनों तक दिल्ली में रहकर बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। छिंदवाड़ा के भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ यह विवाद अब राजधानी भोपाल पहुंच गया। चंद्रभान से नाराज भाजपा कार्यकर्ता रविवार को बड़ी संख्या में भोपाल स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इनमें छिंदवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी भी मौजूद थे। जिलाध्यक्ष बंटी साहू के नेतृत्व में आए प्रत्याशी व 200 से अधिक संख्या में शामिल कार्यकर्ताओं ने चंद्रभान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और कांग्रेस से गठजोड़ कर चुनाव हरवाने का आरोप लगाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। रविवार को बागेश्वर धाम के दरबार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने खुद ये बात बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंडित शास्त्री ने कन्या विवाह सम्मेलन के आयोजन की भी घोषणा की। पंडित शास्त्री ने बताया कि 1 से 8 मार्च 2024 के बीच 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। इस बार विवाह के बाद उपहार में घर गृहस्थी के सम्मान के साथ एक बाइक भी दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।